नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरीन और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के ओपीडी ब्लॉक के बिल्कुल सामने हूं। हॉस्पिटल आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इस हॉस्पिटल के अंदर गए तो हमें मालूम पड़ा कि ना तो यहाँ पर वॉशरूम साफ है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है और उसके साथ साथ जन औषधि स्टोर तो बना हुआ है लेकिन स्टोर में दवाइयाँ नहीं हैं। आप जानते हैं कि एक हॉस्पिटल में हाइजीन कितना ज़रूरी होता है, लेकिन जब इस हॉस्पिटल के वॉशरूम्स में आप घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी है वहाँ पर। यहाँ पर आकर लोग अपना इलाज क्या करवाएंगे, इन हॉस्पिटल के वॉशरूम्स को यूज़ करने के बाद वो बीमार होकर यहाँ से जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल सके। यहाँ पर जन औषधि स्टोर तो है, लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें इस स्टोर के बारे में पता है और क्या इस स्टोर से दवाइयाँ मिलती हैं, तो सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? रीता देवी। रीता जी, मुझे ये बताएं कि आप अभी इस वक्त रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, क्या आप जानती हैं इस बारे में कि यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र है जहाँ पर दवाइयाँ जो है वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं बाकी मार्केट के रेट के मतलब मुताबिक, तो क्या आपको इसके बारे में पता है कुछ? हमें नहीं पता है, नहीं बताया गया। नहीं बताया? नहीं। आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है आंटी? किस बात का? कि यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र है इसी हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे आपको उस बारे में पता है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिलती हैं मार्केट रेट के मुताबिक? नहीं पता। नहीं पता? नहीं। आपको पता है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। आपको भी नहीं पता? अच्छा, आपको पता है? बोल बोल। नहीं। नहीं पता आपको? नहीं। आपको? मैडम जी बिल्कुल पता है, हमें दवाई मिलती है जो गवर्नमेंट रेट लगाया है उस रेट पे हमें बिल्कुल मिलते हैं दवाई। अच्छा। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे स्टाफ बिल्कुल नहीं है मैडम जी, अच्छे तरीके से। अच्छा। स्टाफ कम है, दुनिया बहुत सबसे ज़्यादा बीमार है। हाँ। तो आपने कभी यहाँ से दवाई खरीदी इस केंद्र से? हॉस्पिटल के बाहर से हमने दुकानों से खरीदी है, बाकी जो सरकारी गवर्नमेंट दुकान है उससे मैंने नहीं खरीदी है। मतलब जो अंदर दुकान है वहाँ से नहीं खरीदी? वहाँ से तो सस्ती दवाई मिलती है बाहर की दुकानों से, तो आपको वहाँ का पता ही नहीं था या फिर किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं, बाहर का मुझे पता था, वरना अंदर का मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी दुकान है। नहीं, मैंने आज ही आया हॉस्पिटल में, 10-15 दिन के बाद तो आज देखा मैंने। आपको पता है यहाँ पे जन औषधि केंद्र है और वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो काफ़ी सस्ते रेट पे मिलती हैं, जैसे कि बाहर जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है, यहाँ पे सस्ते रेट में मिलती हैं। आपने कभी यहाँ से खरीदी? हमने नहीं खरीदी यहाँ से, अंदर से नहीं खरीदी, ना तो हमें कोई पता था। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? ओके। हम बिना पता के। क्या आप जानते हैं यहाँ पे औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र? हाँ। कभी दवाइयाँ खरीदी वहाँ से? हाँ खरीदी है, लेकिन पूरी नहीं मिलती है। पूरी नहीं मिलती? क्या अभी इस वक्त इस हॉस्पिटल में अगर दवाई लेने के लिए कोई जाए तो क्या उसे मिलेगी? अभी तो नहीं मिलेगी, अभी तो खाली पड़ा हुआ है। अभी क्यों खाली है? ये तो पता नहीं मेरे को। ये नहीं पता? आपको पता है? आपने कभी खरीदी? ना। नहीं। आपने कभी खरीदी? आपने खरीदी नहीं? नहीं, उन्होंने नहीं खरीदी। नहीं खरीदी? ओके। आपने सुना कि लोगों का क्या कहना था। इन सब मसलों के अलावा डॉक्टर्स की बहुत कमी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में। ENT और गायनी एक ही डॉक्टर देखता है जो पिछले एक महीने से छुट्टी पर हैं। उसके अलावा इस हॉस्पिटल में केवल 6 डॉक्टर्स हैं। आप जानते हैं कि प्री डिलीवरी वार्ड में सैनिटेशन, हाइजीन और प्रिवेसी 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लेकिन गायनी वार्ड का दरवाज़ा भी खुला था और पास में ही वॉशरूम है, जिसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशनलिज्म के चलते हमने प्री डिलीवरी वार्ड की वीडियोज़ नहीं ली हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पीछे ये 2 वार्ड्स आप देख रहे हैं, ये इस वक्त फंक्शनल नहीं है, लेकिन अगर OPD की हालत ये है तो आप सोच ही सकते हैं कि जब ये वार्ड्स फंक्शनल होंगे तो इनकी हालत क्या होगी। मेरे पीछे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के नीचे लिखा हुआ है कि आदत बदलो तो देश बदलेगा, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को देखते हुए ये लग रहा है कि ना ही जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की आदतें बदली हैं तो देश कहाँ से बदलेगा।